वह आँख ही क्या जिन आँखों को असली नकली का ज्ञान नहीं, वह कान ही क्या जिन कानों को दुखियों के रिधन का ध्यान नहीं, वह हाथ ही क्या जिन हाथों ने किया शुभ कर्मों में दान नहीं, वह रसना क्या जिस रसना ने किया प्रभु का गुणगान नहीं। ये संपूर्ण जीवन और शरीर तभी तृप्त होता है जब इस शरीर से हम कुछ परमार्थ कर पाते हैं। अपने लिए जीना, यहाँ सुखदेव जी वैरागी होकर चले जाना चाहते हैं, वेद व्यास जी रोकते हैं कि अभी कुछ जानो, कुछ समझो, कुछ और जियो और कुछ और इस दुनिया के लिए करो, तब जाना। अभी नहीं, कमजोर बनकर के नहीं, मजबूत बनकर जाना। और फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जहां जाओगे वहां पर ही वैराग हो जाएगा। तुम घर में भी रहोगे तो वैरागी बनकर, और यदि वैराग भीतर नहीं है ना, तो फिर जंगल भी चले जाओ तो भी कोई फायदा नहीं। निश्चित ही हमारे कुशल संचालक भाई ने भी कहा, ये जो आत्म तृप्ति और जो संतुष्टि और जो खुशी मिलती है ना, वो कुछ देने से मिलती है। इसलिए कहते हैं, जो बांटा, जो बटोरा जाता है विषाद होता है, जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। जो खुशी पाने में नहीं है ना, वो खुशी कुछ देने में है। इसलिए जितने भर ऋषि मुनि साधु संत देखे, उनके पास, उनकी जेबों में, उनके आसपास धन नहीं है, बहुत कुछ क्या कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो भाव सदैव संतुष्टि का रखते हैं। क्यों संतुष्ट हैं? क्योंकि अपने तन मन को, समय को, जीवन को उन्होंने समाज के लिए दे दिया है, इसलिए वो तृप्त है, संतुष्ट है, आनंदित है, प्रसन्न है। कुछ देना सीखो। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सब कुछ देता है, ये भूमि, ये मिट्टी सब कुछ दे रही है, थोड़ा थोड़ा देना सीखें। जो भी सुन रहे हैं, सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सब की धरती पर होती खेती है, औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। आओ जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, और जो चुप है उनको वाणी दे, जो पिछड़ गए हैं उन्हें बढ़ाएं, और प्यासी धरती को पानी दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। ये नदियाँ दे रही है, ये वृक्ष दे रहे हैं, ये धरती दे रही है, ये आसमान दे रहा है, ये सूर्य चंद्रमा तारे दे रहे हैं, ये फल, ये वनस्पतियाँ, ये पहाड़, ये सब कुछ हमें दे ही रहे, पूरी प्रकृति दे रही है। और आज भी मनुष्य मांग ही रहा है, लेकिन कम से कम अब मनुष्य का ये कर्तव्य है कि जब सारी प्रकृति से ले रहा है तो कुछ उन अभावग्रस्त लोगों तक अपना तन मन धन समर्पित करे, जिनको तुम्हारी जरूरत है, जिनको जरूरत है। इसलिए वेद व्यास जी ने रोका होगा कि नहीं सुखदेव जी को, तुम्हारी जरूरत अब पेड़ों को और जंगलों को नहीं है, तुम्हारी जरूरत इस संसार को है, क्योंकि तुमने जो ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान को संसार में बांटो, अज्ञान को दूर करने के लिए। देना, कुछ भी देना, जो है वही देगा। मैंने लिखा था कि हंसाएगा क्या औरों को पुष्प जो स्वयं खिलता नहीं, जलाएगा क्या औरों को दीप जो स्वयं जलता नहीं, और वो दुनिया को संभालेंगे कैसे जिनसे अपना ही दामन संभलता नहीं।
जो खुद को संभालना जान गए, जो खुद खिलना जान गए, जो खुद संभलना जान गए, जो खुद मुस्कुराना जान गए, जो खुद तृप्त हो गए, वो दूसरों को बांटते हैं, जैसे पूज्य श्री कैलाश मानव जी, जो खुद भर गए हैं ना, जो खुद तृप्त हो गए हैं, वो अपने आप छलक जाते हैं, वो अपने आप बह जाते हैं, वो अपने आप प्रवाहित हो जाते हैं इस समाज के लिए, इस संसार के लिए। यही सत्य है। आज इस कथा से हम वेदव्यास जी को, श्री सुखदेव जी को, उन तमाम 28 व्यासों के नामों को, उन तमाम श्रेष्ठ लोगों की कथाओं को इसलिए सुन रहे हैं कि उन्होंने जीवन में कुछ न कुछ दिया है। पाणिनि, गौतम, पतंजलि, इन तमाम ऋषियों ने कुछ दिया है ना, वो अपार ज्ञान दिया है, ऊंचा ज्ञान, इसलिए याद कर रहे हैं। हे सुखदेव जी, तुम माना के ज्ञान के भंडार हो, वैरागी हो जाना चाहते हो, गृहस्थ से दूर जाना चाहते हो, बहुत दूर चले जाना चाहते हो, पर ये बताओ कि जाओगे कहाँ, वैराग को स्थापित कहाँ करोगे। या सुखदेव जी कहते हैं, इस संसार से दूर चला जाऊंगा, इस संसार से दूर, मोह से दूर, वैरागी बनकर के तपूंगा और भगवान को भजूंगा। आज वेदव्यास जी ने संकेत करके कहा है कि हे सुखदेव, थोड़ा और समझने के लिए, और थोड़ा समझने के लिए तुम्हें राजा जनक के पास जाना चाहिए, थोड़ा और समझने के लिए तुम्हें राजा जनक के पास जाना चाहिए, कुछ तो समझ पाओगे। ये जो संतुलन है, इस संतुलन को समझना है, ये संसार और परमात्मा को एक साथ धारण करना है, इस लोक और परलोक को एक साथ सुंदर बनाना है, तो विदेह से, जो राजा विदेह है, जिनको जनक कहा है, उनसे जाकर कुछ सीख लीजिए। कई बार माता पिता कुछ अपने बालकों को समझाते हैं, और फिर माता पिता चाहे कितने भी विद्वान हो, समझदार हो, ज्ञानी हो, बालक को लगता है कि नहीं नहीं, उनसे ना समझ पाए, तो फिर इसीलिए बालक को विद्यालय भेजते हैं माता पिता। चाहे माँ शिक्षक, शिक्षिका है, पिता शिक्षक है, फिर भी बालक स्कूल जाता है, विद्यालय जाता है सीखने के लिए, कि कई बार वो जो विद्यालय में जाएगा तो वहां जाकर के जो शिक्षक है, जो शिक्षिका है, वो कुछ अपने ढंग से समझाएंगे, तो शायद समझ जाएगा, तो शायद समझ जाएगा। होता है ना, कई बार बाल गोपाल माता पिता की बात नहीं समझ पाते, और वही अपने शिक्षक की बात समझ जाते, वही किसी और की बात समझ जाते, किसी संत की बात समझ में आ जाती। होता है ना कई बार ऐसा, कई बार पत्नी बहुत बहुत कहती रहती है कि पति देव ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, नहीं समझ आती, लेकिन वही कथा में पहुंचे और फिर किसी विद्वान ने, संत ने कुछ कहा, बात समझ में आ गई। कई बार पति ने पत्नी को समझाया, नहीं समझे, लेकिन कहीं वही सहेली ने समझा दिया तो वो समझ गई। तो जहां से लग रहा है वेद व्यास जी को कि जनक समझा सकते हैं, क्योंकि जनक दोनों अवस्थाओं में पूर्ण है, देह में रहकर भी विदेह है, राग को जीकर भी वैरागी है, समस्त साधनों के बीच भी संत है, राज्य व्यवस्था को देखकर भी वो संत जैसी अवस्था में है। जब ऐसा भाव दिया तब इनके मन में जागृत हुई ये इच्छा कि मुझे भी समझना चाहिए, थोड़ा जाकर ऐसे व्यक्ति से तो मिलना चाहिए, उनको देखना चाहिए, गृहस्थ क्या है, सन्यास क्या है, ये समझना चाहिए। वेद व्यास जी ने भी जहां दुनिया को समझाया है, अपने पुत्र को भी समझाने का प्रयास किया, समझे भी हैं बहुत हद तक सुखदेव जी, लेकिन पूर्णतः समझ जाए इसके लिए जनक जी के पास भेजने की बात करें। कई बार कुछ वैरागी हो जाते हैं, अभी जैसे कहा अभाव प्रभाव स्वभाव,
तो ये ऊपर ऊपर का वैराग्य ज्यादा काम नहीं देता है। और आप भी अगर गृहस्थ में हैं तो ये ना समझना कि हम छोटे हैं। निश्चित रूप से सत्य तो ये है कि हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में गृहस्थ को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। तीन आश्रम, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, यदि एक पलड़े में रख दिए जाए और एक अकेला आश्रम गृहस्थ्रम यदि एक पलड़े में रख दिया जाए तो गृहस्थ का पलड़ा ही भारी होगा। ये आश्रम को अभी हमने जाना नहीं है, इसलिए हम बहुत छोटा समझते हैं, सोचते हैं कि घर परिवार में आकर तो फंस गए, बाल गोपालों में आकर तो उलझ गए, अब भजन नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। ऐसा नहीं है। जितने भर अधिकतर ऋषि मुनि हम देखते हैं वो सब गृहस्थ ही हुए। अधिकतर ऋषि मुनि जिन्होंने अनंत ज्ञान की गहराई को पाया और परमात्मा को प्राप्त किया, समाज को ज्ञान दिया, तमाम शास्त्रों को हमें दिया, उन सब ऋषि मुनियों को हम देखते हैं अधिकतर उनमें से गृहस्थ ही पाए। तो गृहस्थ आपके मार्ग की रुकावट नहीं, चाहो तो रुकावट बन सकता है और चाहो तो वो कल्याण का मार्ग भी बन सकता है। जैसे पत्थर है, मार्ग में पड़ा है और आते जाते आप उसे ठुकरा रहे हो, ठोकर खा रहे हो और गिर जा रहे हो। वो पत्थर नहीं जानता, पर आप तो जानते हो। आप गिरने का काम कर रहे थे, लेकिन वहीं कोई कुशल कारीगर आ गया। उसने क्या किया? उसने उस पत्थर को उठाया और उसको आकृति दी, नक्शा दिया और उसको एक मूर्ति बना दिया और मंदिर में रख दिया। अब वो जो पत्थर से ठोकर खा रहे थे, गिर रहे थे, अब वही पत्थर जब मूर्ति बना दिया किसी कुशल कारीगर ने, तो अब वो लाखों के जीवन का कल्याण कर रहा है, तार रहा है। तुम किस स्थान पर हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर तुम उस स्थान पर किस तरीके से हो ये महत्वपूर्ण है। गृहस्थ में भी हो और उलझे हो, संन्यास में भी हो और फंसे हो, वानप्रस्थ में भी हो पर मोह से दूर नहीं हो, ब्रह्मचर्य में भी हो पर ब्रह्मचारी नहीं हो, तो इन स्थानों का केवल नाम रह जाएगा। उसको जीना सीखना है। ऋषियों ने, संतों ने तो बहुत ऊंचा गाया, कहा है, एक कुछ लाइनें लिखी कि आप यदि गृहस्थ में रहकर भी मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो तो संभव है। ऐसा नहीं है कि नहीं है संभव, संभव है, पर पहले इस संसार को समझना, गृहस्थ को समझना और फिर धीरे 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 संसार समझते समझते हम संसार को बनाने वाले को भी समझ जाते हैं। मंदिर जाते जाते अपने मन को मंदिर बना लेते हैं, मूर्ति का दर्शन करते करते अपने घट में मूर्ति प्रकट कर लेते हैं, दीपक जलाते जलाते अपने भीतर ज्योति जला लेते हैं, कुछ अच्छा शुभ करते करते हम भी शुभ हो जाते हैं।